Hello friend, Namaskar. Welcome to Top Level Study, the new age of success. Myself Sanjay, ex-Yellow Indian Air Force. Friends, this is the fifth part of top 1000 plus MCQs on computer knowledge subject. Friends, you have to score high in this subject to make one seat for your name. And definitely I'll tell you, this series will help you. Friends, I very well know what is the value of your time. Isliye just 12 minute mein hum 40 questions टोटल वन कंप्लीट एग्जाम पैटर्न सेट कवर करेंगे. फ्रेंड्स, जस्ट गिव 5 सेकेंड फॉर टूडेज मोटिवेशनल थॉट एंड हियर इज द मोटिवेशन थॉट. एंड द थॉट इज प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वन एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट. ओके, विद दिस थॉट लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 161 ऑफ दिस सीरीज इज ए सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट. ऑप्शंस आर स्क्रिप्ट, RH, स्टैक्स और पैकेज. And the answer is package. Question number 2. Which bus is bidirectional? Data bus, a control bus, a address bus, a multiplexed bus. And the answer is data bus. What is control bus? Control bus is a computer bus that is used by the CPU. CPU के द्वारा use किया जाता है. क्या करने के लिए? Computer के अंदर और जो सारे devices होता है, उनके साथ communicate करने के लिए. और ये जो bus होता है, ये होता है bunch of cables, जो कि फिजिकल कनेक्शंस होता है पीसीबी के ऊपर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3. इन बाइनरी सिस्टम द पावर ऑफ डैश इज यूज्ड. ऑप्शन आर 4, 2, 6 या 8. एंड द आंसर इज 2. बाइनरी सिस्टम में 2 की पावर यूज किया जाता है. सेम वे इन डेसिमल सिस्टम पावर ऑफ 10 इज यूज्ड, और इन ऑक्टल नंबर सिस्टम पावर ऑफ 8 इज यूज्ड, एंड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पावर ऑफ 16 इज यूज्ड. क्वेश्चन नंबर 4. इन ऑर्डर टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज यू नीड टू व्हाट. ऑप्शन आर पुट द अप्रोप्रिएट ग्राफिक्स एंड लिंक्स ऑन द डॉक्यूमेंट, या सेव द डॉक्यूमेंट इन सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट, या यूज योर वेब ब्राउजर एज एन एडिटर एंड सेव एज URL, या सेव एज HTML. एंड द आंसर इज यूज योर वेब ब्राउजर एज एन एडिटर एंड सेव एज URL. What is URL? URL is Uniform Resource Locator. Question number 5. Which operating system is developed and used by Apple Inc? Options are Windows, Android, iOS, Unix. And the answer is iOS. Okay, question number 6. URL stands for, abhi just thodi der pehle maine bataya tha, Uniform Resource Locator. Question number 7. Examples of system programs includes, options are operating system of computer, trace program, compiler, all of the above. And the answer is all of the above. So friends, there are mainly two types of programs hote hain. Ek hota hai system program, ek hota hai application program. System programs kya hota hai? System programs hota hai ki set of programs that control and manage the operations of computer hardware. It also helps application programs to execute करेक्टली. जैसे कि सिस्टम प्रोग्राम का एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, C++, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा. एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है एनी प्रोग्राम और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज डिजाइंड फॉर द यूजर्स. जैसे एप्लीकेशंस, जैसे हम लोग यूज करते हैं MS Word, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS Office सूट का एक पार्ट होता है, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप एट्सेट्रा. और दीज आर रिक्वायर्ड बाय द यूजर फॉर देयर ओन वर्क और यूज. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स. व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर? ऑप्शन आर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या एक्सटेंडेड बीट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या एक्सटेंडेड बीट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, या एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड. एंड द आंसर इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. एंड व्हाट इज ASCII? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following is not an internet browser? इनमें से कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन आर नेटस्केप नेविगेटर, या क्रोम, या ड्रुपल, या अपेरा. एंड द आंसर इज ड्रुपल. क्वेश्चन नंबर 10. An IP address is a what?
IP address hota kya? Option sir, binary number that uniquely identifies computers. Yeah, also identifies other devices on TCP IP network. Yeah, both of above. Yeah, none of these. And the answer is both of above. IP stands for Internet Protocol. So Internet Protocol address is an address of a network hardware. जो भी कोई भी एक network में जो भी hardware होता है सबके लिए एक IP address होता है. It helps in connecting your computer to other devices on your network and all over the world. All of the world in the sense जो internet होता है. Okay. Question number 11. Cryptography is the study of information. What? Options are hiding, या verification, या both of above, या none of these. And the answer is both of above. Question number 12. Which of the following memories must be refreshed many times per second? Options are EEPROM, या ROM, या static RAM, या dynamic RAM. And the answer is dynamic RAM. What is RAM? RAM stands for random access memory. What is EEPROM? EEPROM में देखिए जो last में ROM है वो हमेशा read only memory. और EP से इरेजेबल प्रोग्रामेबल. सो EEPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन टू योर कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सर, या रॉम, या रैम, या सीपीयू, या सीडी रॉम. एंड द आंसर इज रॉम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 14. रैम इज ए और एन डैश मेमोरी. रैम कौन सा मेमोरी होता है? ऑप्शन सर, एक्सटर्नल, या ऑक्सिलरी, या इंटरनल, या मेन. एंड द आंसर इज रैम इज एन मेन मेमोरी, दैट इज मेन. क्वेश्चन नंबर 15. आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन सर, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, लाइट पेन, या ऑल ऑफ दिस. एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ये सारे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड यूजर्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश. ऑप्शन सर, पेरिफेरल डिवाइसेस, या स्टोरेज, या कंट्रोल यूनिट, या सॉफ्टवेयर. एंड द आंसर इज पेरिफेरल डिवाइसेस. क्वेश्चन नंबर 17. ए डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज दैट? ऑप्शन सर, इट इज क्वाइटर दैन एन इम्पैक्ट प्रिंटर, या इट इज वेरी स्लो, या इट इज इट्स आउटपुट इज ऑफ ए लोअर क्वालिटी, या नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज None of these. इनमें से कोई भी लेजर प्रिंटर का डिसएडवांटेज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18. द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज डैश. मतलब कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितने होते हैं? ऑप्शन सर, 14, या 13, या 12, या 15. एंड आंसर इज 12. 12 फंक्शन कीज होते हैं कीबोर्ड में. क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन? ऑप्शन सर, एनिमेशंस, या चार्ट विजार्ड, या ट्रांजिशन विजार्ड, या ऑटो कंटेंट विजार्ड. एंड द आंसर इज ऑटो कंटेंट विजार्ड. क्वेश्चन नंबर 20. स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज व्हाट? ऑप्शन सर, ट्रांजिशन, या इफेक्ट्स, या कस्टम एनिमेशंस, या एनोटेशंस. एंड द आंसर इज ट्रांजिशन. सो फ्रेंड्स, वी आर ऑन द हाफ वे ऑफ दिस वीडियो. उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. Your subscription is my reward and will act as a motivation factor for me. और हाँ दोस्तों, लाइक या डिसलाइक इन दोनों में से कोई एक ज़रूर करना, और पक्का करना, बिकॉज आई लाइक बोथ लाइक एंड डिसलाइक. डिसलाइक से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, और क्यों डिसलाइक कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट. सो चलिए फ्रेंड्स, आगे का बाकी 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू एडिट ए चार्ट वी कैन? ऑप्शन सर, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, या डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, या ट्रिपल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, या क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट. एंड द आंसर इज डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक क्लिक द ओपन बटन ऑन द डैश टूल बार. ऑप्शन सर, फॉर्म, या स्टैंडर्ड, या ड्रॉइंग, या फॉर्मेटिंग टूल बार. एंड द आंसर इज स्टैंडर्ड टूल बार. क्वेश्चन नंबर 23. द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट्स इन सेल C1 एंड गोज ओवर टू कॉलम H एंड डाउन टू रो 10 इज व्हाट? ऑप्शन सर, C1 कॉलम 10H, या C1 कॉलम H10, या C1 कॉलम H-10, या C1 कॉलम H-10. एंड द आंसर इज
C1:H10. That means यहाँ पे देखिए C column or row 1. That means this portion and H10. Here is H and here is 10. That is this portion और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हम यूज करते हैं C1:H10. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. एक्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ए फॉर्मूला विद ए लॉजिकल फंक्शन शोज द वर्ड ट्रू और फॉल्स एज ए रिजल्ट. ऑप्शंस आर नॉट या और या इफ या एंड द आंसर इज इफ. क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करेंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल. ऑप्शंस आर इक्वल टाइम ब्रैकेट या इक्वल नाउ टाइम ब्रैकेट या इक्वल नाउ ब्रैकेट या इक्वल करेंट टाइम ब्रैकेट एंड द आंसर इज इक्वल नाउ ब्रैकेट. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन. ऑप्शंस आर स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार या ड्रॉइंग टूल बार या टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार एंड द आंसर इज टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आंसर सर सॉरी ऑप्शंस आर 500 या 200 या 100 या 90 एंड द आंसर इज 200. क्वेश्चन नंबर 28. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ्स हाउ कैन यू डू इट. ऑप्शंस आर फ्रॉम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स या फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फ्रॉम ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द अबव एंड द आंसर इज फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 29. यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय. ऑप्शंस आर प्रेसिंग शिफ्ट प्लस F7 या प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F7 या प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F7 या प्रेसिंग ओनली F7 एंड द आंसर इज प्रेसिंग ओनली F7. क्वेश्चन नंबर 30. व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस. ऑप्शंस आर ए कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड या फाइल नेम एंड फोल्डर नेम मस्ट बी द सेम या इट डज नॉट नीड ए नेम या इट मस्ट बी गिविन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट एंड द आंसर इज इट मस्ट बी गिविन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट. क्वेश्चन नंबर 31. द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 111010 इज व्हाट. ऑप्शंस आर 81 या 72 या 71 या ऑल ऑफ दिस एंड द आंसर इज 72. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. द पैरिटी बिट इज एडेड फॉर व्हाट. ऑप्शंस आर कोडिंग या इंडेक्सिंग या एरर डिटेक्शन या कंट्रोल की एंड द आंसर इज फॉर एरर डिटेक्शन. क्वेश्चन नंबर 33. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर. इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है. ऑप्शंस आर 1111 या 101 या 11E या 000 एंड द आंसर इज 11E. सो बाइनरी सिस्टम में दो ही डिजिट यूज होता है जो कि होते हैं 0 और 1. और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. व्हिच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू सेंड डाटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक. ऑप्शंस आर सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स या ऑल ऑफ दिस एंड द आंसर इज फुल डुप्लेक्स. फ्रेंड्स, अब दिमाग में आता है कि अब सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स है क्या. देखिए, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं और फर्दर डुप्लेक्स दो तरह के होता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. इस तरह से हमारे पास तीन तरह के डाटा कम्युनिकेशन मेथड हो गया, एक सिंप्लेक्स मोड, एक हाफ डुप्लेक्स मोड, एक फुल डुप्लेक्स मोड. सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड होता है यूनिडायरेक्शनल, दैट इज सेंडर कैन सेंड द डाटा बट कैन नॉट रिसीव द डाटा. मतलब एक डिवाइस एज ए सेंडर अगर वो काम कर रहा है तो सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है. जैसे कि मान लीजिए ये डिवाइस नंबर 1 और ये डिवाइस नंबर 2. मान लीजिए डिवाइस नंबर 1 है सेंडर और डिवाइस नंबर 2 है रिसीवर. सो सिर्फ डिवाइस 1 डिवाइस 2 को डाटा भेज सकता है. अब देखते हैं डुप्लेक्स मोड. डुप्लेक्स मोड क्या होता है,
बाई डायरेक्शनल, मतलब ये टू वे डायरेक्शनल, मतलब डाटा भेज भी सकता है और डाटा रिसीव कर सकता है। बट हाफ डुप्लेक्स मोड में मान लीजिए ये डिवाइस वन, ये डिवाइस टू, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइस वन डाटा भेज भी सकता है और डाटा रिसीव भी कर सकता है, बट वन एट ए टाइम, जिस समय यह डाटा सेंड कर रहा होगा उस समय यह डाटा रिसीव नहीं कर पाएगा, और जिस समय वो डाटा रिसीव कर रहा होगा उस समय डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। है तो टू है बट एट ए टाइम एक टास्क ही होगा, मतलब या तो डाटा रिसीव करेगा या तो डाटा सेंड करेगा। नाउ सी, लेट अस सी फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, सेंडर कैन सेंड द डाटा एंड ऑल्सो कैन रिसीव द डाटा सिमुलटेनियसली, मतलब एक ही साथ वो डाटा रिसीव भी कर सकता है और डाटा सेंड भी कर सकता है। मान लीजिए ये डिवाइस वन और ये डिवाइस टू, इसमें एट ए टाइम दोनों काम हो सकता है, डाटा रिसीव भी कर सकता है और डाटा सेंड भी कर सकता है। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ऑप्शन आर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, या पल्स हाइट इज डिफरेंट, या क्लॉकिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, या क्लॉकिंग इज मिक्स्ड विद डाटा इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एंड द आंसर इज क्लॉकिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो क्लॉक होता है या फ्रिक्वेंसी होता है, वो जो डाटा भेजा जा रहा है उनमें से ही डिराइव उनमें से ही लिया जाता है, इसीलिए उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द रूटिंग इज परफॉर्म्ड बाय डैश। ऑप्शन सर बाय डाटा लिंक लेयर, या नेटवर्क लेयर, या ट्रांसपोर्ट लेयर, या सेशन लेयर। एंड द आंसर इज बाय नेटवर्क लेयर। व्हाट इज ओएसआई, ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 37, इन एन ईआर डायग्राम डबल लाइंस इंडिकेट्स व्हाट। ऑप्शन सर टोटल पार्टिसिपेशन, या मल्टीपल पार्टिसिपेशन, या कार्डिनलिटी एन, या नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज टोटल पार्टिसिपेशन। व्हाट इज ईआर डायग्राम, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बता चुका हूँ, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट। ऑप्शन सर कमेंट, या आर्मी प्रो, या कंपाइलर, या क्वलेट। एंड द आंसर इज कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रॉम आर कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन आर हार्डवेयर, या सॉफ्टवेयर, या फार्मवेयर, या नन ऑफ दिस। एंड द आंसर इज फार्मवेयर। आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 200 ऑफ दिस सीरीज एंड क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ दिस पार्ट। ए हनीपॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन आर एनक्रिप्शन, या सिक्योरिटी ऑडिटिंग, या वायरस, या इंट्रूजन डिटेक्शन। एंड द आंसर इज इंट्रूजन डिटेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 40 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस जरूर आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड स्टे होम, बी सेफ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।